तो ओवरथिंकिंग क्या होती है, क्यों होती है, और कैसे हमें पता लग सकता है हम ओवरथिंकिंग कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर जीडी भार्गव और मैं प्रेजेंट करता हूं हमारे चैनल को अवर ब्रेन अवर लाइफ। आज हम बात करने जा रहे हैं ओवरथिंकिंग को लेकर। बच्चों में तो ये बहुत ज्यादा है, बड़ों में भी है। तो ओवरथिंकिंग क्या होती है, क्यों होती है, और कैसे हमें पता लग सकता है हम ओवरथिंकिंग कर रहे हैं? तो चलिए जर्नी पे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि हम और आप जुड़े रहें। तो ओवरथिंकिंग है क्या? विचारों के अंदर उलझे रहना, अगर मैं बिल्कुल बहुत ही सिंपल भाषा में बताने की कोशिश करता हूं, विचारों के अंदर उलझे रहने का नाम ओवरथिंकिंग है। बहुत ज्यादा चीजों को सोचना। कभी कभी हम फ्यूचर के लिए सोचते हैं, मैं फ्यूचर में ऐसा हो जाऊंगा, मैं फ्यूचर में ये अचीव कर लूंगा, ये ओवरथिंकिंग है। या कभी कभी कोई पास्ट की मेमोरी को करेक्ट करने के लिए हम उसमें बार बार फ्यूचर में उसको ले जाके सोचने की कोशिश करते हैं, तो उसको ओवरथिंकिंग कहते हैं। ओवरथिंकिंग में होता क्या है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जब आप ओवरथिंकिंग शुरू करते हो तब तो बहुत ही मजा आ रहा होता है आपको, आपकी सोच पॉजिटिव होती है, सब कुछ पॉजिटिव, सडनली वो नेगेटिव हो जाती है और जैसे ही वो नेगेटिव होती है आपका एंग्जाइटी लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये एग्जाम्पल आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा। आपने सोचा कि मैं फ्यूचर में जाऊंगा, बहुत कमाऊंगा, बहुत सारे पैसे होंगे मेरे पास, तो यू आर एंजॉयिंग दैट मोमेंट सिटिंग ऑन अ चेयर। अभी फ्यूचर में आप गए नहीं हो, बैठे हो चेयर पे, एंजॉय कर रहे हो। सडनली आपको याद आएगा, ओह वो मेरे जो पेरेंट्स थे ना, उनसे मेरे रिलेटिव ने, उनके फ्रेंड्स ने धोखा किया था, मेरे साथ भी धोखा हो जाएगा। कोई ना कोई चीज को रिलेट कर देंगे आप, और वो पैसा भी आया नहीं लेकिन पैसा आप खत्म करने की कराकार पे चले जाएंगे। तो जैसे ही पैसा आया भी नहीं और आपने सोचा कि पैसा किसने लूट लिया, रिलेटिव्स ने, फ्रेंड्स ने, तो आपको एंजाइटी बढ़ने लगेगी, और एंजाइटी बढ़ने लगेगी तो आपको परेशानी शुरू हो जाएगी, और जैसे जैसे वो परेशानी ज्यादा बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली आपको किसी न किसी प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत पड़ेगी। और ये चीजें आप नोट कर लीजिए जो मैं आज बताने जा रहा हूं, इनसे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आप ओवरथिंकिंग में हैं या नहीं। और ये वीडियो और हमारे बाकी वीडियो भी पूरे एजुकेशनल पर्पस से हैं। प्लीज खुद इन वीडियो को देखने के बाद खुद साइकोलॉजिस्ट मत बनिए, डेफिनेटली आप किसी न किसी प्रोफेशनल से हेल्प लीजिए। चलते हैं जर्नी पे और पहला पॉइंट क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। इंडिसाइसिव मीन्स हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो कैसे होते हैं, हम कुछ डिसीजन को ना तो परफेक्टली ले पाते हैं और ना ही उन डिसीजंस के अंदर कोई वैल्यूज जो होती हैं इफेक्टिवली एंड क्विकली, दोनों ही चीजें खत्म हो जाती हैं। अब आप कहेंगे कि बड़े डिसीजन में ऐसा हो सकता है, लेकिन वो छोटे छोटे डिसीजन में भी रिफ्लेक्ट करता है और बड़े तक भी जाता है। मान लो आपने शूज खरीदने हैं, आप बैठे हैं दुकान पे, दो घंटे में शूज नहीं आपको सेट पर, कभी किसी को कुछ चीजें पसंद नहीं कर पा रहे हैं, किसी में कुछ पसंद नहीं कर पा रहे हैं किसी की, क्योंकि आप शूज अपने लिए नहीं खरीद रहे, आप शूज पब्लिक के लिए खरीद रहे हैं, इसी को ओवरथिंकिंग कहते हैं। आपने शूज लिया दुकानदार से, अपने पांव में पहना, बट सोच सारी दुनिया की रहे हैं, वो कैसा लगेगा वहां पार्टी में, कैसा लगेगा वो आदमी मेरे बारे में क्या सोचेगा, दिस इज कॉल्ड ओवरथिंकिंग। इसलिए आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, हर छोटी चीज को, डिसीजन को आप डिले करने की कोशिश कर रहे हैं और इफेक्टिवली तो ले ही नहीं पा रहे हैं। इफेक्टिवली मीन्स अगर आपने शूज ले भी लिए दो घंटे के बाद, तो घर आने के बाद आप क्या कर रहे हैं, यू आर डिससैटिस्फाइड, ये अच्छे वाला नहीं लिया, एक और था वो ज्यादा अच्छा था। तो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द ओवरथिंकर। अगले पॉइंट पे चलते हैं। वी कैन नॉट फोकस। ओवरथिंकर जो लोग हैं वो फोकस जो एरिया है वो हमारा बिल्कुल लोअर स्टेज पे आ जाता है, या वो फोकस कर ही नहीं पाते हैं। और ये क्यों नहीं कर पाते हैं, साइकोलॉजिकली हम हैं फोकस करने के लिए गामा स्टेज में जाना जरूरी होता है। गामा स्टेज क्या होती है, ब्रेन वेव क्या होती है, इसके वीडियोस हमारी बोलते हैं, आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं दोबारा से उन चीजों को बोलूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वो लोग गामा स्टेज में जा ही नहीं पाते हैं, और जब वो जा नहीं पाते हैं तो फोकस नहीं होता है।
अब फोकस नहीं होता है मतलब आप मार्केट गए हैं स्पेसिफिक एक काम के लिए, लेट्स से आपने कपड़े लेने, अब रास्ते में मिल गया कोई दोस्त, अब आप उस दोस्त के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, उसके बाद उसने कहा यार मेरे को सब्जी लेनी है, अरे यार मैं भी ले लेता हूँ सब्जी, उसने कहा मेरे को ये सामान लेना है, अरे ये मेरे को भी लेना है, आपने कई सारा सामान तो खरीद लिया और पूरी मार्केट घूम आए हैं आप, लेकिन वापिस आने के बाद आपको याद आया अरे जिस काम के लिए गया था वो तो किया ही नहीं। सो आपके जो इम्पैक्ट है फोकस का, मतलब बहुत ही आसान एग्जाम्पल से बताया, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स है वो पढ़ रहा है, बुक खोल ली, अब वो जो अपना सिलेबस है उसको तो वो पढ़ नहीं पा रहा है या पढ़ने में उसका फोकस नहीं हो रहा है, लेकिन दुनिया भर की चीजें गूगल करने की कोशिश कर रहा है, आजकल वो गूगल बाबा भी बैठे हैं ना आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए, वो गूगल करने में बिजी है और बाद में उससे पूछा अरे पेपर में तो तेरे नंबर नहीं आए, मेरे को नॉलेज तो बहुत है पर नंबर नहीं आए, वो नहीं आएंगे क्योंकि हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा सिम्टम आप बच्चों में बड़ों में देखें तो डेफिनेटली यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि ये ओवरथिंकिंग कर रहा है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, ऑलवेज स्टे इन एंजाइटी। एंजाइटी में आप कैसे रहेंगे, एंजाइटी और डिप्रेशन क्या होता है इसके भी बहुत सारे वीडियो मैंने डाले हुए हैं, क्योंकि जब आप ओवरथिंकिंग करेंगे तो उनको फील करने लगेंगे और जैसे ही फील करेंगे तो आप एंजाइटी में चले जाएंगे। एंजाइटी के बेसिक सिम्टम्स बता देता हूँ, शोल्डर्स पे बहुत ज्यादा पेन होता है, ऐसा लगता है कि सारी दुनिया का वजन मैं उठाता हूँ, ऐसे वाली हालत हो जाती है, चेस्ट में हैवीनेस रहती है बहुत ज्यादा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है, लीवर्स के आसपास आपको घूसबम काइंड ऑफ सिचुएशन होती है, बटरफ्लाई काइंड ऑफ सिचुएशन होती है और पैनिक होते हैं, कभी कभी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या बार बार आप बाथरूम यूज करने जा सकते हैं, दिस काइंड ऑफ सिम्टम्स आर देयर तो आप एंजाइटी में है, और जब आप ओवरथिंकिंग करेंगे तो ये एंजाइटी आपकी बढ़ती चली जाएगी और आपको ये सिम्टम दिखने लगेंगे घर में, तो आप समझ लीजिए कि पर्सन ओवरथिंकिंग में है और इसकी एंजाइटी का इलाज होना जरूरी है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे, बैड मूड एंड स्टे अलोन। मैक्सिमम टाइम जब हमारा ना मूड है वो गुस्से में रहेगा या हम अच्छा नहीं रहेगा और जो काम करने में हमारा इंटरेस्ट है वो काम करना भी छोड़ देंगे, किसी को मान लो पढ़ने में इंटरेस्ट है, किसी को खेलने में इंटरेस्ट हो सकता है, उसको मान लो फुटबॉल खेलना पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है, वो भी छोड़ देगा कि यार नहीं खेलना है, और ट्राई टू स्टे अलोन, आप अकेले रहना चाहेंगे सारी दुनिया से अलग, क्यों, क्योंकि आपके पास आपके विचार ही इतने ज्यादा है कि आपको किसी से बात करने की जरूरत ही नहीं है, पर ये नेगेटिव सिम्टम है और आपके विचार ही आपको एक मकड़ी के जाले वेब की तरह बना देंगे और उससे आप बाहर नहीं आ पाएंगे, और जब आप उससे बाहर नहीं आ पाएंगे तो आपका मूड हमेशा नेगेटिव रहेगा, विच इज कॉल्ड अ बैड मूड, राइट। अगले पॉइंट पे चलते हैं, एक्सपीरियंस सेम थिंग अगेन एंड अगेन। हम कुछ चीजों को बार बार फील करते हैं और इरिटेट होते हैं, इसका बड़ा आसान एग्जाम्पल देता हूं, मान लो आपको अपने घर में किसी का बिहेवियर पसंद नहीं, हो सकता है वो अच्छे से ना बात करता हो या उसका बिहेवियर आप लाइक नहीं करते, तो यू कैन स्टेट से टू हिम कि भाई मुझे तेरा बिहेवियर पसंद है, आप कहेंगे सर सोशली नहीं बोल सकते, वेरी गुड, आप बोल सकते हैं आप अपना बिहेवियर थोड़ा इंप्रूव करो, ये मुझे इरिटेट करता है, बोलने का ढंग चेंज कर सकते हैं अगर सोशली प्रॉब्लम है, लेकिन ओवर थिंकर को क्या होगा, जब वो पसंद सामने आएगा तो वो सब भूल जाएगा, उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगेगा, उससे इरिटेट होता रहेगा अंदर ही अंदर, उसकी हाँ में हाँ मिलाएगा, और जब वो पर्सन चला जाएगा तो दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट कर देगा, इस बार वो आएगा ना मैं ऐसे बिहेव करूंगा, मैं ऐसे डांट दूंगा, मैं ऐसे गुस्सा दिखाऊंगा, मैं ऐसे बात नहीं करूंगा, दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज उसके जाने के बाद करेगा, तो इससे क्या होगा आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी और फ्रस्ट्रेशन के साथ साथ आपकी एंग्जाइटी बढ़ जाएगी। सो ओवर थिंकिंग ये सारी चीजें बढ़ानी शुरू कर देती है, और अगर ये ओवरथिंकिंग बढ़ती चली गई तो ये डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है। एंजाइटी डिसऑर्डर तो साथ साथ गिफ्ट में आता ही है, लेकिन उसके बाद बड़े डिसऑर्डर्स में भी कन्वर्ट हो जाती है, तो हमें इसका वो कहते हैं ना दुश्मन और बीमारी जितनी छोटी हो तभी अगर खत्म कर दें तो बहुत बढ़िया, तो आपकी च्वाइस है आप छोटे में खत्म करना चाहते हैं बड़े में। आपको वीडियो कैसा लगा
प्लीज बताइएगा हमें कमेंट में, अगर कोई क्वेश्चन हो आप डाल सकते हैं, और डेफिनेटली इसको लाइक और शेयर करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी।